हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस अकेडमी में। आई एम शुभ उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की है वो 4 से 5 दिन में जो है रिलीज हो जाता है। तो AVVMU के द्वारा जो है आपकी आंसर की कल रात में जो है वो रिलीज कर दी मैंने। उसका जो आंसर की का फ़ोटो है उसको मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया है। तो आप लोग अगर अभी तक मैच नहीं किए हो तो जाके उसको मैच कर लो। आप जो अपना सिंपली मैं आपको अभी आगे प्रोसीजर भी बताऊंगा कैसे आपको आगे अपनी ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करनी है। बट अगर आपकी जो है लॉगिन करने में या फिर किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी जो आंसर की है उसको मैं अपने जो है कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। तो चलो मैं देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है आपके आंसर की को डाउनलोड करने का। तो सबसे पहले देखो आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में आपको क्या टाइप करना है, AVVMU। आप जैसे AVVMU टाइप करोगे वहाँ पे कुछ आपको ऐसा जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको देखो सिंपली जो है नीचे चले आना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पहले इसकी वेबसाइट है आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ आपको जो है ऐसा इंटरफेस जो है देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ आपको जो है नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते आने इधर, तो जैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हो और नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऐसे कुछ हाइलाइटेड पोर्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2024। आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते नीचे आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू व्यू मोर। जैसे आप जो है इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको ऐसे कुछ नोटिफिकेशन दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है जो लास्ट में एकदम न्यू करके यहाँ पे आ रहा है कि आंसर की फॉर सीनेट हैज़ बीन पब्लिश्ड, कैंडिडेट एंड कैंडिडेट कैन लॉग इन टू द कैंडिडेट पोर्टल टू व्यू द आंसर की। तो आप जब तो आपको सिंपली और नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन का सेक्शन दिखाई देगा, BSc नर्सिंग 4 ईयर लॉगिन। आप जैसे यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लिखा है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनियर 2024 BSc नर्सिंग 4 ईयर लॉगिन। और यहाँ पे आपको कोर्स का नेम सेलेक्ट करने को बोला है। आपको यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है उसको डालनी है और पासवर्ड डाल के सिंपली आपको लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो है वो आंसर की मिल जाएगी। आंसर की जो है उसके 4 सेक्शन हैं, 4 पेपर कोड आपके रहे होंगे तो 4 जो है आंसर की रिलीज की गई है। अभी मैं आपको चलो चलता हूँ आंसर की दिखाता हूँ कैसी आंसर की है। तो चलते हैं आंसर की वाले पेज पे। अब हम यहाँ पे जो है मैं आंसर की ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्या दिखा गया है। यहाँ पे पेपर कोड लिखा है 111 और पेपर कोड क्या है PQRS। तो एक पेपर कोड एक तो ये है 111 और एक दूसरा कोड क्या है PQRS। तो जो बच्चे तो जिन बच्चों का जो है PQRS कोड होगा वो अपना आंसर जो है इस आंसर की से मैच कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपली दिया है पहले का सी हो गया, सेकंड का सी, सी का बी, फोर्थ का ए। तो आपको ऐसे एक एक करके जो है अपना आंसर सारे मैच कर लेने हैं और उसके बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आपका जो स्कोर है कितना बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ दिया गया, क्वेश्चन 1 105 वन मार्क विल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 था इसमें कुछ ऐसा या फिर डिस्प्यूटेड रहा होगा क्वेश्चन या फिर इसके जो है 2 ऑप्शन सही रहे होंगे। तो 105 वाले क्वेश्चन में सभी बच्चों को कितना 1 मार्क जो है मतलब एक नंबर वो दे दिया गया है। वो मतलब आपके अगर जैसे 90 मान लो आपके 149 मतलब 149 नंबर आपका बन रहा है तो आपको जो है 150 नंबर दे दिया गया है। सब मतलब सिर्फ एक दो बच्चों को नहीं, जितने बच्चे एग्ज़ाम जो है सबको एक नंबर जो है वो दे दिया गया है। अब इसके बाद देखो दूसरा है पेपर कोड है, इसका भी क्या है पेपर कोड 111 है बट यहाँ पे देखो जैसे उसका PQRS था इसका क्या हो गया QRS SP। तो बच्चे जिन बच्चों का पेपर कोड QRS SP था वो अपना आंसर इस आंसर की से मैच कर लेंगे। अब सिंपली आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो यहाँ पे जो है अब देखो जो ए QRS कौन सा कोड था यहाँ पे QRS SP जो कोड के बच्चे थे इनको जो है इनका जो 90 नंबर का क्वेश्चन था जिनका 90 नंबर क्वेश्चन था उनको क्या है कि 1 मार्क विल बी अवार्डेड। तो ऊपर तो 105 नंबर में था लेकिन जो एक QRS SP कोड है इसमें जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको कितना +1 एक नंबर जो है दे दिया गया है क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई कुछ इनको इशू रहा होगा।
इसके बाद फिर अगला देखते हैं, अगला पेपर कोड 111 है ही सेम, बस यहाँ पे क्या है आर एस पी क्यू हो गया है। तो आर एस पी क्यू में आपको अपना जो जैसे आपने अपने ओ एम आर शीट से जो आपको एक कार्बन कॉपी मिली होगी उसी से आप लोग मैच कर लो, आपका जो एक स्कोर है वो पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी लिखा है कि इसमें 91 जो क्वेश्चन नंबर है मार्क विल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, तो जितने बच्चे थे उनको भी क्या रखें एक नंबर जो है वो सबको दे दिया गया है। इसके बाद आते हैं फोर्थ जो आंसर किया है इसका है एस पी क्यू आर, तो जो एस पी क्यू आर आंसर की है इसका भी देखो आंसर की यहाँ पे यही है। और इसमें जो है जो एस पी क्यू आर है इसमें 91 जो है क्वेश्चन नंबर विल बी मार्क विल बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, इसमें भी जैसे वो उनको 91 नंबर जो क्वेश्चन नंबर था उसमें उनको एक नंबर जो है क्वेश्चन अवार्ड में दे दिया गया है। तो आंसर की बच्चों आपकी जो है आ गई है, आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके, नहीं तो फिर मैं इसके जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आंसर की ऑफिशियल आपकी आ गई है, आप लोग अपना स्कोर कार्ड मैच कर लो जो भी आपको कार्बन कॉपी मिली होगी एग्ज़ाम देने के बाद में, तो उसके बाद जो है आप लोग अपना स्कोर बताओ, फिर देखते हैं कितनी कट ऑफ इस बार जाने वाली है। और फिर एक मैं फाइनल जो कट ऑफ है उसको आपको बना दूंगा उसके वीडियो अलग से। तो इसके बाद देखो आपकी आंसर की तो आ गई है, लेकिन अब जो आपके मन में एक डाउट रहेगा फिर क्वेरी रहेगी उस रिज़ल्ट को लेके आपको रहेगी कि जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो आपका आंसर की है वो 4 से 5 दिन में आ जाता है, तो 14 को आपको एग्ज़ाम हुआ था, 19 को जो है आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी। तो सेम जो मैंने आपको बताया था कि वो जैसा कि 18-19 तक आपकी आंसर की आ जाएगी, तो आपकी जो आंसर की देखो आ गई है। अब आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो 25 से 26 तक आपका आ जाएगा, लगभग 25 से 26 के बीच में, मतलब 25 तक या फिर 25 से कम 24-25 भी हो सकता है, बट 26 के मिनिमम, मतलब 26 के पहले पहले आपका जो ऑफिशियल जो रिज़ल्ट है जो आपका AVVMU के द्वारा वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग जो है अपना जो आंसर तो आप लोग मैच कर लिए होंगे, तो अब आप लोग वेट करो रिज़ल्ट का, वो भी लगभग 10 से 12 दिन में जो आपका रिज़ल्ट है वो आ जाता है। और उसके बाद जो है फिर काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे गाइड करूँगा। तो अगर आपको कोई और भी किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही, मेरा आपको बताने का यही इतना मोटिव था, बच्चों ने बोला था कि सर मेरे को बता देना कि जब आंसर की आ जाए, ठीक है, तो मैंने आपको वो इन्फॉर्म कर दिया है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।